अमेरिका में शिकागो के ओहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार यानी 27 मई को यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान में रनवे पर दौड़ते समय आग लग गई। आपको बता दें यह एयरबस 320 विमान का था। यह टेक ऑफ करने ही वाला था कि एक इंजन से धुआं उठता नजर आया। इसे तुरंत रोका गया और सभी 148 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के कारण एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट्स को 45 मिनट तक रोक दिया गया। वही अमेरिकी मीडिया हाउस के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हादसे की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 2091 ने भारतीय समय अनुसार सोमवार रात करीब 11:30 पर शिकागो के वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरी थी, तभी यह हादसा हुआ। अब एविएशन इमिग्रेशन अथॉरिटी पूरे मामले की जांच कर रही है।